नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड करेक्शन किया और यहाँ पर उन लोगों को फादर्स नेम में डिस्क्रेंसी लेटर इशू हो गया है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फादर्स नेम में डिस्क्रेंसी लेटर इशू हो गया है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो प्रूफ करे कि उनका फादर्स नेम उस डॉक्यूमेंट्स में है। जैसे कि उनके पास कोई भी स्कूल की सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई भी ऐसा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC, उनके पास कुछ भी नहीं है प्रूफ के तौर पे कि ये प्रूफ करे कि उनके फादर्स में ये उनका सही नेम है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू एक बार ज़रूर देख लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपका फादर्स नेम में डिस्क्रेंसी लेटर इशू होता है तो आपके पुराने पैन कार्ड से यहाँ पर डिटेल मैच नहीं करती है। कोई भी डिटेल हो सकती है आपकी, वो मैच नहीं करती है तो आपका यहाँ पर डिस्क्रेंसी लेटर इशू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो साबित करे, प्रूफ करे कि मेरे फादर्स का ये सही नेम है। तो ऐसे में आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि अगर आपके पास यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो पैन कार्ड है निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि इनके पास जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स पुराना नहीं है, ना तो ये लोगों ने स्कूल कभी गया है, इसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। तो अब हम करें तो क्या करें, और इनका पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है और पैन कार्ड निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू हुआ है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पहले से पता है कि जब भी आपने अपना जो पैन कार्ड है वो करेक्शन किया है तो उनके पास ही उनके डेटाबेस में पूरी डिटेल आप लोगों की होगी, क्योंकि आपने कौन कौन सी डिटेल वहाँ पर फिल किया है और किसके थ्रू वहाँ पर फिल किया है। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, अब आपको यहाँ पर देखना है कि डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नेम है आधार कार्ड से तो वो लोग उठा लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जो मेरा आधार कार्ड है उसके पीछे मेरे हस्बैंड का नाम है, और जो आप पैन कार्ड देखते हो पैन कार्ड में हस्बैंड का नाम नहीं होता बल्कि आपके फादर्स का नेम या फिर मदर्स का नेम होता ही होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उसको नेम और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर लगा सकते हो, और आपको यहाँ पर किसी भी गैजेट ऑफिसर के पास जाना है और वहाँ पर एनेक्सर ए फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करवाना पड़ेगा, एकदम सही सही वहाँ पर उसके सिग्नेचर और स्टाम्प लगवाना है और साथ में उनका एक आईडी प्रूफ भी ले लेना है। और इस प्रकार से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। पहला तो एनेक्सर ए फॉर्म हो गया जो कि आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर फिल करवाना है, सही सही दिखना चाहिए, और दूसरा उस गेजेटर ऑफिसर की आईडी हो गई, और तीसरा आपका जो ओल्ड वाला पैन कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर लगा देना है ताकि उन लोगों को पता चले कि अच्छा ये नाम था और आपने अभी ये चेंजेस कराया है, और चौथा आपका जो आधार कार्ड है वो भी इसकी फोटोकॉपी लगा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो लोग जो आपका आधार कार्ड है उसका आपका नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच करेंगे, और जो आपका ओल्ड वाला पैन कार्ड है वो चेक करेंगे, जिसकी वजह से उसमें फादर्स नेम और डिस्क्रेंसी लेटर इशू हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्क्रेंसी लेटर को फिल करना है, फिर सभी डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करेंगे, फिर उसके आधार पर आपका जो गेजेट ऑफिसर का लेटर है जो एनेक्सर ए फॉर्म बोलते हैं उसको चेक करेंगे, फिर आपका उसमें जो फादर्स नेम सही सही होगा उसके आधार पर आगे का जो आपका पैन कार्ड है यहाँ पर सक्सेसफुल निकल जाएगा और आपके घर के एड्रेस पर पैन कार्ड न्यू वाला आ जाएगा। तो यही है एक छोटा सा ट्रिक या फिर आप तरीका भी बोल सकते हो, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता देना, और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।